रहीम, ये सबसे पहले तो मैं माउंटेन टीवी वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान यूथ फोरम के तमाम दोस्त, इस फोरम के तमाम दोस्तों को दारेल आने पर खुशामदीद कहता हूँ। दारेल स्टूडेंट फेडरेशन की तरफ से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। रही बात यहाँ पे, आप लोग मेरे ख्याल से पहली दफ़ा आए हैं दारेल में, तो आप लोगों को जो दिखाया गया है हमारा नेगेटिव इमेज और आप लोगों ने यहाँ प्रैक्टिकली देखा है, उसके ऊपर आप लोग खुद अपना कमेंट्स पास करोगे। दूसरी बात, यहाँ पे जो मसलक के बुनियाद पर लोगों को लड़ाया जाता है उसका हम भरपूर अंदाज में मुज़म्मत करते हैं। जो लोग अपनी ज़ात के लिए लड़ते हैं और फिर मसलक का इस्तेमाल करते हैं, उनका हम मुज़म्मत करते हैं। जो भी मजलूम होगा गिलगित बल्तिस्तान का बाजी, हम उनका साथ हैं। हम मसलक के या तफरकबाजी के ऊपर जो इस्तेमाल होगा उसको मुज़म्मत करेंगे और मजलूम का साथ देंगे। और यहाँ पे तमाम कम्युनिटी के लोगों को दारेल तो खुशामदीद कहने के लिए तैयार है। कोई भी नेगेटिव वाकया होता है तो दारेल स्टूडेंट फेडरेशन की तरफ से, मेरे दारेल के यूथ के जवानों के और मेरे एनर्जेटिक यूथ जो है इनकी तरफ से, हम मुज़म्मती करारदाद बयान के साथ साथ मजलूम का साथ देने के लिए भी तैयार हैं। और लोग दारेल को जो दिखा रहे हैं इस तरह का नहीं है, दारेल को लोग मेहमान नवाज हैं, नडर हैं। बहुत बहुत मुश्किल से यहाँ पे लोगों को तालीम की तरफ रागिब किया गया है। मेरा यकीन है, मेरा ये उम्मीद है कि दारेल इंशाल्लाह अगले 3-4 सालों में गिलगित बल्तिस्तान के जो एक्टिव और तरीके याफ्ता कम्युनिटी है उनके साथ मुकाबले के लिए एजुकेशन के लेवल पर तैयार हो। और दूसरी बात, यहाँ पे जो सेक्टेरियन इशूज़ नल तरवा किया लाया गया है, ये इसको मसलक की बुनियाद पर हम नहीं देख रहे हैं। और जो जालिम है उनका मजम्मत करते हैं, मजलूम का साथ है, इसको मसलक के साथ ना घसीटा जाए। और हमारा पैगाम भी यही है दारेल के अवाम की तरफ से, जो माजी में जिस तरह यहाँ स्कूल जलाए गए हैं उनका भी हम मजम्मत करते हैं। हमारे दारेल की कम्युनिटी तालीम के लिए, अमन के लिए किरदार अदा करने के लिए तैयार है। जो भी काम गलत करेगा उसके मजम्मत के लिए हम तैयार हैं, मजम्मत कर रहे हैं।